लाल नाम है जी, गांव गोपी है, जिला चरखीदादरी हरियाणा में है। मेरे पास 2 एकड़ में तो नेट हाउस है, जी और बाहर जो सब्जियां करते हैं वो 3 एकड़ में करते हैं, और बाकी में गेहूँ सरसों ये लगाते हैं। पैदावार तो ये है जिसमें नेट हाउस में 2 से 2.5 लाख रुपए की पैदावार हो जाती है, और बाहर का अलग है सिस्टम। हाँ, प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए। सरकार से नेट हाउस जब लगाया था तो 65% अनुदान दिया था, और जब हमने खजूर लगाए थे 5 एकड़ में तो उसमें 75% अनुदान सरकार ने दिया था। नेट हाउस में तो अभी तोरी है, टमाटर है, और 3 तरह की इसमें मिर्च हैं। खेती करने में तो कोई भी इस तरह की परेशानी नहीं होती इसमें तो। नेट हाउस में थोड़ा इन्वायरमेंट का, बाहर का और अंदर का फर्क होता है, तो इसमें मक्खी मच्छर और कीट का भी बचाव रहता है बाहर की तुलना में। लेकिन मार्केटिंग, जैसे अब यहाँ पे हम बाडड़ा क्षेत्र में हैं, तो यहाँ से 40-40 किलोमीटर से नज़दीक कोई मंडी नहीं है, तो थोड़ी मंडी वाली प्रॉब्लम है, उसमें मार्केटिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। अन्य किसानों से तो यह है कि जैसे हम परंपरागत खेती करते हैं, इस समय जैसे कपास लगा दिया, बाजरा लगाएंगे बरसात होगी तो, और उस समय ज़्यादातर किसान सरसों लगाते हैं या गेहूँ लगाते हैं, तो ये तो हमारे होगी परंपरागत फसलें। मैं किसानों से यही चाहूँगा कि भैया आप थोड़ा करके शुरुआत कर लो चाहें, लेकिन कुछ हटके करो। सब्जी की खेती में मुनाफा है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी शुरुआत कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। हमारा चरखी दादरी में उद्यान विभाग का जो कार्यालय है, और बाडड़ा में भी SDO साहब बैठते हैं, तो उनसे आप संपर्क करो, उद्यान विभाग से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, वो आपको निःशुल्क और पूरी तरह जानकारी देंगे, और जो भी आप जिस तरह का काम करना चाहें, जो आपकी समझ में है, आप उस तरह का काम उसमें कर सकते हो। इसमें ट्रेनिंगें होती हैं, ट्रेनिंग सेंटर हमारा उचानी करनाल में है, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया फैसिलिटीज दी गई हैं किसानों को। और अब यहाँ पे एक्सीलेंस सेंटर बिगड़ाऊँ में बन गया है, यहाँ पे हर तरह की पौध आपको मिल जाएंगे, आप अपना बीज ले जाके वहाँ पे अपनी पौध तैयार करवा सकते हो, वहाँ से पौध खरीद सकते हो। तो सरकार ने कदम तो काफ़ी उठाए हैं, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा मार्केटिंग में थोड़ा सा है वो उसका, और अगर हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, परंपरागत खेती को छोड़ के अगर किसान भाई अलग से कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि सब्जी की खेती है, बागवानी है, मछली पालन है आदि आदि, तो सरकार बहुत अच्छी स्कीमें लेके आ रही है और लगभग 70-80-85% तक अनुदान सरकार देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बागवानी करते हैं तो उसमें ड्रिप सिंचाई इरिगेशन है, सब्जी में भी ड्रिप इरिगेशन है, मिनी स्प्रिंकलर सेट है, उसमें 80-85% अनुदान देती है। सब्जी के लिए मल्चिंग के लिए अच्छा अनुदान है, और अगर प्याज की खेती करती है करनी होती है तो उसमें ओनियन स्टोरेज के लिए अनुदान मिलता है, मछली पालन में अच्छा अनुदान मिलता है। तो अगर किसान अलग से खेती करना चाहते हैं, परंपरागत खेती को छोड़ के प्राकृतिक खेती पर अच्छा अनुदान दे रही है सरकार और प्रोत्साहित कर रही है किसान को, ताकि जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक खादों से पीछा छूट सके।